पैसे के नाम पे हमेशा बोलते हैं पैसा नहीं है। अरे करण भाई अभी टाइम और सब ना और जिम जा जाके ना क्या कर रहे थे मेरे जिम को जाने का भाई बॉडी बना रहे हैं क्या करें। हैप्पी दशहरा आप सभी को, खुश रहो। मेरा कद्दू बातें ये पैसा खर्च करवाने के सोच रहे हैं। सच में रो गया था यार, पता नहीं बट कोई बात। गुड मॉर्निंग, अभी बदल सुबह के 10 और अभी मैं आया हूँ सोम भाई को लेने। सोम भाई भी आ गए, अभी हम सबसे पहले ले रहे हैं ब्रेड, उसके बाद लेंगे चाय, वो खाएंगे, उसके बाद का सीन पता नहीं। एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। ठीक है, रहते ऐसे वीडियो बनाओ, मैंने ऐसे कर रहा हूँ तो कोई सेंस है वीडियो का? और ये सोच रहे कॉमेडी कर दिया कांच भाई, मैंने तो बोला भी नहीं ऐसे कहाँ से लग रहा कॉमेडी है वो तो भाई। अक्षय कुमार ने 2006 में करा था, 2006 में। मोहब्बत चाय सी करो, जिसकी आदत नहीं तलब लगे। मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था कल वाले, जो हम कल गए थे मैं प्रियंका के साथ, तो बहुत मजे आए थे। अभी ये भाई आ गए, कह रहे मेला देखने चले यार, तो किसी से तो मतलब सब ठीक है, घूम रहे सब। तो मैंने कहा चलो लड़कियों के साथ बहुत घूम रहा है आज। नहीं यार, पता वो मेरी कितनी पुरानी दोस्त है। दोस्त के तुमने तो अभी वीडियो भी नहीं देखी, तुम्हें कैसे? अच्छा भी मैंने बोला ना, अभी तो वीडियो भी नहीं डाली, वो सब्सक्राइब तो करा नहीं, वो वीडियो डाली नहीं अभी भाई। वो देख, वो तुक्का बैठता है ना तुक्का, तो चलो कपड़े पहनते हैं, चलते हैं भाई के साथ। नीचे भी तो दिखा क्या पहने है? नीचे नीचे कुछ नहीं है, पैंट यार नीचे दिखा रहे हैं जब ही सब्सक्राइब। लेट्स गो। इस टाइम क्या हो रहा है? 8:50 और अभी निकल रहे मैं धीरज भाई और एक इनका इनका क्या वो मेरे भी दोस्त है अनिल भाई, वो सामने वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, निकलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए सेक्टर 3 और सेक्टर 3 के मेला देखने जा रहे हैं, मैं और मेरे मेरे भाई, मेरे साथ में मेरा भाई है। आ जाओ यार, देखो कहाँ से निकल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ भाई गर्लफ्रेंड तुम तो बन नहीं सकते ना। सेक्टर 3 में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, हम जा रहे सेक्टर 11 वापस से जहाँ पे कल गए थे। यहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बाकी 20 रुपए खर्च हो गए, कल तो बहुत हुआ था यार, बट कोई नहीं मजा आया, एक ही जीवन है, चिल करो यार। हम जैसे निकले थे शुभम भाई का फोन आया, खींच ले लो, कह रहे ब्रो जाले वाले पारे के पास हो, मिलोगे तो आ जाओ। तो उसको लग रहा है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उसको ले जाऊँगा मेला उठा के, कह रहा था थक गया हूँ बंदे के, मतलब रील बनाने गया था, तो उसको उठा के ले जाऊँगा मेला, उसको पता भी नहीं है कि मेला ले जाऊँगा उसको। तो चलते हैं शुभम भाई से मिलते हैं। मैं प्यार इतना अपना शुभम भाई एक और मिल गया। दिखा दो शकल, दिखाओ शकल, दिखा दो। अभी टाइम हो रहा है 11:35, अभी घर पहुंचे हैं। बाकी इस ब्लॉग में मज़ा नहीं आया, तो इसी ब्लॉग को मैं दोबारा से कन्वर्ट मतलब बनाऊंगा, अभी कल परसों दोबारा जाएंगे तो उसमें इसको मर्ज करके तैयार करेंगे। अभी छोटा सा क्या ही डालना है ना। अभी टाइम हो रहा 7 और अभी निकल रहा है मैं और ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, बाकी कितने लोग। अबे जानवर क्या कर रहा है पीछे, शायद से माइनस भाई वहीं पर, उनसे भी देखते हैं और भी कुछ लोग हैं, करण शर्मा वगैरह उनसे मिलते हैं, फिर देखते हैं। तो चलो आराम से चलो। क्या नारा नोरा लटका के घूमते रहते हो, आओ क्या खाना, ओ क्या खिला रहे हो, क्या खिलवाओगे? मेरा कद्दू आते ये पैसा खर्च करवाने की सोच रहे हैं, अब उनको तो बुलाओ। ये क्या है? अरे भट्ट यार, इधर कार्ड रखा हुआ है जिम के, कार्ड रखा हुआ है इधर, दिस इज नॉट गुड। जिम जा जाके ना क्या कर रहे थे, जिम जा जाके भाई बॉडी बना रहे हैं, क्या करे, बॉडी बना रहे, हाइट कम होती जा रही है तेरी, बंदे बंदे हो गया, बंदे बंदे यानी बॉडी बना रहे थोड़ी सी, कहाँ जाओगे? इसको पता नहीं क्या हो गया, आज भी हमारा अभी हम जाएंगे यहाँ से क्या बोलते हैं सेक्टर 7 कुछ खाने पीने, उसके बाद इस ब्लॉग को शायद से खत्म करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, घर जाएंगे, इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू रखेंगे रावण जलन वाले दिन, ठीक है। भाई 120 का दिया, चिल्ली पटेटो बढ़िया लगता है भाई। शुभम भाई इसको पूरा निचोड़ो साले, 120 रुपए का दिया है, पता है पूरा निचोड़ के अच्छे से निकाल भाई, अच्छे से।
अच्छे से अच्छे से अच्छे से भाई 120 रुपए का दिया, देखो थोड़ा बहुत तो बनता है, जितना बचा साला साला घेर लो। ले देखना एक बार ये चावल वाले खाने चम्मच से ये दिया खाने को, बताओ वैसे। बट दुकान बंद होने वाला था उस टाइम दिया, बट दिया तो सही। क्या हो गया? अब भी टाइम हो रहा 12:15 अभी घर पहुँचे। कल रावण चलेंगे वो ब्लॉग करके खत्म कर देंगे। अभी 2 दिन हो गए आज, कल तीसरा दिन हो गया इस ब्लॉग का। अभी टाइम हो रहा 7:30 और आज है दशहरा, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं आया कि भाई चलो चलते मेला देखने, किसी का भी नहीं। एक भाई को फ़ोन करा भी तो वो कह रहे 9:30 तक चलेंगे, जब तक रावण चल चुका होगा कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का। और आज लास्ट डे है तो यार थोड़ा जल्दी चलते हैं, फिर से कल से सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो अभी फ़ोन आया धीरज भाई का, वो कह रहे उनको पता चला कि मैं घर पे ही हूँ तो वो आ रहे, बाकी किसी का फ़ोन नहीं आया। कोई नहीं, ठीक है। तो फिर धीरज भाई आ रहे हैं तो फिर उनके साथ चलते हैं दशहरा देखने। एंड हैप्पी दशहरा आप सभी को, खुश रहो। धीरज भाई का ही फ़ोन आ रहा फिर से, कह रहे जल्दी आ जा ख़त्म हो जाएंगे सब। मैंने कहा कोई नहीं आ जाओ। आधे घंटे से जाम में फंस रहे। हम करीब 45 मिनट से जाम में फंसे हुए, जाम में। हाँ तो ठीक तो है, 45 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए, अभी तक जाम खुला नहीं है। और 2-3 जगह से रावण जल चुका है, पटाखे बट रहे, ऊपर धुआं निकल रही है। बाकी चल के देखते हैं कि दर्शन हो भी पाता है नहीं। पूरा 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए, अभी तक जाम खुला नहीं है। नो तेरा भाई, अरे यूट्यूब पे डालूंगा। भैया डर रहे हैं, शर्मा रहे, पता नहीं। साजिद भाई, साजिद से टू हाय हाय। ये क्या होता है? ये कह रहे इधर करो, मेरे को लगा कॉमेडी करेंगे। अबे गाली नहीं दे सकते। बहुत कोशिशों के बाद पहुंचा हूं पीछे बैक साइड, साला बहुत भीड़ लग रही है यार। ये पूरा गाइस लगा होता है, ये जो है ना, ये सबने सबने फाड़ दिया डंडा, वहां तक डंडा गायब कर दिया। अपने तो सिर्फ राम है। राम जी आए और फिर लगाई गई आग, और यहाँ जो इतना क्राउड था, इतना शोर हो रहा था कि मैं तुम लोगों को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम में से कोई गए होगे तो पता होगा कितना क्राउड था यहाँ पे यार। खत्म भाई, 2 हमने देखा, 2 बाकी सारे जल गए, सारे खत्म। बाकी बहुत मजे आ रहे, शोर बहुत हो रहा, कान खत्म हो गए बिल्कुल ही, देख सकते हो इतना मजा दिखा रहा है। हो जन्म जन्म की खोज बताए। और अब हम निकल गए घर की तरफ दूसरे रास्ते से, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। 10-15 भाई मेला से घूम के आ गए, और अब हम आ गए सेक्टर 5 रोल खाने। बहुत मजा आया, बट गले ना चिल्ला चिल्ला के। अब आ गए ना, देख रहे हो कैसे हरकत कर रहे हैं भाई। पैसे के नाम पे हमेशा बोलते हैं पैसा नहीं है। अरे करण भाई बहुत गंदी हालत, भाई करण भाई भी मिले हैं, इतना गंदा हालत खराब हुआ ना आज। अभी टाइम हो रहा 11, अभी पहुंचा घर, पूरे 11 बज रहे अभी घर पहुंचा हूँ। बहुत मजा आया, बट कह सकते हो ना तुम कि जो जिनके साथ तुम हमेशा घूमते हो वो वाली वाइब, और एक रैंडम वाले लोगों के साथ घूमना वो वाली वाइब में काफ़ी फ़र्क है। तो
ऐसा आया था व्हेन आई वाज क्राइंग. लिव इट क्राइंग छोड़ो, सच में रो गया था यार, पता नहीं, बट कोई बात नहीं. इस ब्लॉग को करते हैं आपको, कहते हैं बहुत मजा आया, बट वैसा मजा नहीं आया जैसा आना चाहिए था. बस एक धीरज भाई थे, बाकी और भी उनके यार दोस्त मिले, मतलब मिल गए थे, वह 5-6 जो भी थे, उन काफी फ्रेंड थे, बट एक होता ना कि मैं खुला वाला था तो ठीक था. बाकी बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ.